हेलो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप और स्ट्रक्चर. नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स. मोनोमर्स को देखते हुए क्लासिफिकेशन की एक टाइप का मोनोमर है रिपीटेड फॉर्म में या एक से ज्यादा मोनोमर है तो उसको देखते हुए देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर. नंबर वन इज होमोपॉलीमर एंड सेकेंड इज कोपॉलीमर. There are two types of classification on the basis of number of monomer. Number one is homopolymer. Number two is copolymer. Homopolymer, polymer, which are formed by repeated combination of only one type of monomer are called homopolymer. फिर से बोल रही हूँ, polymer which are formed by repeated combination of only one type of monomer. जब एक ही type के monomer repeated form में combined होते हैं, जब एक ही type का monomer repeated form में combination इनका होता है तो अभी giant और high molecular weight compound जो बनता है that is homopolymer. वो कहलाता है क्या? Homopolymer. मतलब इसमें सिर्फ one type का monomer है जो repeated form में combined हुआ है. इसके example में पहला एक example वाला मैंने लिया PVC. PVC is polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride. Here PVC is homopolymer of vinyl chloride. Vinyl chloride का formula CH2 double bond CHCl. ये हो गया एंड मतलब रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ या वन टाइप ऑफ मोनोमर. ये एक मोनोमर है, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड. दिस इज मोनोमर. पॉलीमराइजेशन किया हमने तो बनेगा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड. CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl. बॉन्ड क्यों टूटते हैं ये मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वीडियो में. दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर. विच टाइप ऑफ पॉलीमर? दिस इज होमोपॉलीमर. तो पीवीसी इज एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर. इसके तरीके से और भी एग्जाम्पल है लाइक पॉलीथीन का भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इथीन से पॉलीथाइलीन बनता है तो पॉलीथाइलीन इज ऑल्सो अ होमोपॉलीमर. पॉलीथाइलीन को शॉर्ट में पीई लिखते हैं, पॉलीइथाइलीन. इट इज ऑल्सो अ होमोपॉलीमर. पॉलीथाइलीन इज अ होमोपॉलीमर. हम इसको क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर है. ये बनता किससे है? ये बनता है इथीन से. पॉलीमराइजेशन किया तो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल N. दिस इज इथीन. इथीन दैट इज अ मोनोमर.
this is polyethylene, polyethylene, homopolymer. तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी. होमोपॉलीमर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है? रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोमर. तो वन टाइप ऑफ मोनोमर का जब रिपीटेड कॉम्बिनेशन होता है और जब उसके बाद जो पॉलीमर बनता है वो कहलाता है होमोपॉलीमर. होमोपॉलीमर के और भी एग्जाम्पल है, मैं जो सिर्फ नाम में बता देती हूँ. अदर एग्जाम्पल्स, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीस्टाइरीन, शॉर्ट में बोलते हैं पॉलीस्टाइरीन, PMMA, पॉली मिथाइल मेथ एक्राइलेट, PP, पॉली प्रोपाइलीन, PTFE, जिसको बोलते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, या इसको टेफ्लॉन भी बोलते हैं, टेफ्लॉन एटसेट्रा. बहुत सारे हैं, इनमें से कुछ के नाम आपको बता दिए. दीज ऑल आर होमोपॉलीमर, जिसमें रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोमर है. तो ये हो गया हमारा होमोपॉलीमर. आपको क्लियर हो चुका होगा होमोपॉलीमर मतलब एक टाइप का मोनोमर रिपीटेड कॉम्बिनेशन में जब होते हैं और उनसे जो पॉलीमर बनते हैं दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर. एग्जाम्पल में आपने PVC, PE देखा और अदर एग्जाम्पल्स में मैंने आपको नेम बता दिए. नाउ कोपॉलीमर, कोपॉलीमर इसमें दीज आर द पॉलीमर, किस टाइप के? इसमें जो होता है रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर. उसमें क्या था? रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर. हेयर रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर, तब जो पॉलीमर बनता है वो कहलाता है कोपॉलीमर. तो लिख लीजिए, दीज आर पॉलीमर और पॉलीमर्स विच आर formed by repeated combination of two or more monomer. Two or more monomer, then this type of monomer is known as, क्या बोलते हैं, टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर. हम इसको बोल सकते हैं एक से ज्यादा, तो मोर टाइप भी लिख सकते हैं, मोर टाइप ऑफ मोनोमर. टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर. कैसा कोपॉलीमर है? दीज आर द पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर. अब इसमें एग्जाम्पल, इसमें जो एग्जाम्पल है, दो या दो से ज्यादा मोनोमर मतलब जब आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो कहलाते हैं कोपॉलीमर. तो ब्यूना एस को SBR भी बोलते हैं. SBR का फुल नेम है स्टाइरीन ब्यूटा डाइईन रबड़. ब्यूना एस रबड़ या स्टाइरीन ब्यूटा डाइईन रबड़, इसमें दो टाइप के मोनोमर होते हैं. तो दो टाइप के मोनोमर में देयर इज ब्यूना एस इज अ कोपॉलीमर विच इज फॉर्म्ड बाय 1,3 ब्यूटा डाइईन एंड स्टाइरीन मोनोमर. किससे बनते हैं? दो टाइप के मोनोमर से बनते हैं जो रिपीटेड कॉम्बिनेशन में होते हैं. पहला होता है 1,3 ब्यूटा डाइन और दूसरा है स्टाइरीन. तो 1,3 ब्यूटा डाइईन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. यहाँ N लगाया, रिपीटेड फॉर्म में है 1,3 ब्यूटा डाइईन. दूसरा मोनोमर है इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH
C6H5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या आप ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे उनमें से आप कर सकते हैं। तो C6H5 लिख दिया मैंने, 5 आपस में इनका क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ। आफ्टर पॉलीमराइजेशन दे विल कंबाइंड, आपस में क्या जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इधर देखिए, और बॉन्डिंग में चेंजेस होंगे। CH2 अब क्या है, ये बॉन्ड क्यों लगा, ये आपको पता है कि रिपीटेड फॉर्म में है तो वो आपस में जुड़ते जाएंगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई। जब यहां मैंने सिंगल बॉन्ड यहां पे बॉन्ड लगाया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रेक होके ये हो गया CH। जब यहां CH हो गया तो देखा हमने 1 2 हो गया, 3 4 तो डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, देन CH फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला सिंगल बॉन्ड हो गया, अगेन आगे बॉन्ड इसमें लगा, ये जुड़ जाएगा CH2, फिर डबल बॉन्ड से क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड हुआ CH, क्लियर है। अब यहां पे लगाया ऐसे करके, इधर लगा लिया C6H5, क्लियर है ये आपको, क्या दिख रहा है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इस तरीके से आप बॉन्डिंग देखते जाएंगे, कितने बॉन्डिंग इसमें दिख रही है उस बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग इसमें क्या करते जाएंगे, आप जोड़ते चले जाएंगे, होल किया एंड लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया, पूरे के पूरे ज्वाइंट हो गए। और अपने को बॉन्ड पे ध्यान देना है कि किसमें कितना बॉन्ड जोड़ा है, 1 2 3 4 इधर भी कंप्लीटली है, ये सारा सारा जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा ब्यूना एस रबड़, या इसको SBR भी बोलते हैं। तो 1,3-butadiene एंड दिस इज स्टाइरीन, ये क्या था, स्टाइरीन, दिस वन इज मोनोमर और दिस वन इज ऑल्सो मोनोमर, और ये क्या बन गया आपका, को पॉलीमर, या आप इसको बोलेंगे पॉलीमर, क्लियर है। तो देयर इज 2 टाइप ऑफ मोनोमर, मैंने क्या बोला, दो या दो से ज्यादा मोनोमर रिपीटेड कॉम्बिनेशन में जब होते हैं और उससे जो पॉलीमर बनता है वो क्या कहलाता है, को पॉलीमर। तो रिपीटेड कॉम्बिनेशन में यहाँ दो मोनोमर आपको दिख रहा है कंबाइंड होते हुए, और जो बन रहा है हमारा वो नया क्या बन रहा है, को पॉलीमर बन रहा है। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पे अपने को ध्यान देना है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होंगे यहाँ पे और आगे यहाँ पे बॉन्डिंग लग जाती है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल को पॉलीमर का। अदर एग्जाम्पल में को पॉलीमर में ब्यूना एन रबड़ भी आते हैं एटसेट्रा, सो मैनी रबर्स, सो मैनी एग्जाम्पल। तो ब्यूना एन रबड़ भी किसका एग्जाम्पल है, को पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो पहला आपको तीसरा क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर, और नंबर ऑफ मोनोमर के अकॉर्डिंग देयर इज 2 टाइप ऑफ मोनोमर, होमोपॉलीमर एंड को पॉलीमर, ये चीज क्लियर है। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन के बाद फोर्थ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी, किसके अकॉर्डिंग, टैक्टिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी, ये फोर्थ क्लासिफिकेशन है आपका। और फोर्थ क्लासिफिकेशन में टैक्टिसिटी का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे, टैक्टिसिटी को हम कॉन्फिगुरेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्फिगुरेशन, कॉन्फिगुरेशन भी बोलते हैं। व्हाट इज टैक्टिसिटी, ऑरिएंटेशन ऑफ अ साइड चेन अलोंग विथ मेन बैकबोन चेन, मतलब एक स्ट्रेट चेन बन रही है, दिस इज अ मेन बैकबोन चेन, इसको हम बोलते हैं। अब इसमें जो साइड चेन जुड़ रही है, साइड चेन जो भी जुड़ रही है उनका ऑरिएंटेशन कैसा है, मतलब वो किस तरीके से जुड़ी है, वो रैंडमली जुड़ती जा रही है कहीं भी, या ऑल्टरनेट फॉर्म में जुड़ रही है, या एक ही साइड में जुड़ रही है, दैट इज नोन एज टैक्टिसिटी, क्लियर है। ऑरिएंटेशन ऑफ अ साइड चेन अलोंग मेन बैकबोन चेन, तो डेफिनेशन इसका लिख लीजिए पहले टैक्टिसिटी का। द डेफिनेशन ऑफ टैक्टिसिटी इज, टैक्टिसिटी मींस ऑरिएंटेशन ऑफ साइड चेन
साइड चेन अराउंड द मेन main backbone chain in three dimensional structure of the polymer structure of the polymer. What is tacticity? Tacticity means orientation of a side chain around the main backbone chain in three dimensional structure of a polymer. अब कैसे? इनको देखते हुए, इस चीज को देखते हुए, there are three types of tacticity. Number one, ये जो है, it is atactic polymer. B is syndiotactic polymer, tactic polymer, and C is isotactic polymer. Orientation of a side chain around the main chain in three dimensional structure of the polymer. Atactic, syndiotactic और isotactic. इनको देखते हुए थ्री टाइप्स के क्या हैं आपके टैक्टिसिटी है. तो अब अटैक्टिक पॉलीमर जो होते हैं, व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट आर अराउंड इन द, लिखा हुआ है अराउंड किसके, या अरेंज्ड बोलेंगे, व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट आर अरेंज्ड इन एन इररेगुलर मैनर, इरेगुलरली रैंडम फैशन में वो जुड़े हुए हैं, इरेगुलर मैनर में जुड़े हुए हैं, कहीं भी साइड चेन कहीं भी जुड़ गए. तो इसमें आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें अटैक्टिक पॉलीमर के बारे में, तो अटैक्टिक पॉलीमर आर दोज पॉलीमर, लिख लीजिए, व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट्स, व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट आर arranged in an irregular random fashion then the polymer is then the polymer is atactic मतलब no, literally हम इसको क्या बोलेंगे, no arrangement क्या बोला, when the substituent are arranged in an irregular random fashion then the polymer is atactic, मतलब randomly side chain जो है वो कहीं भी जुड़ता चला जा रहा है, नो अरेंजमेंट, तो वो कैसा पॉलीमर होगा, अटैक्टिक पॉलीमर होगा. तो अटैक्टिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ पॉलीप्रोपाइलीन, किसका है, पॉलीप्रोपाइलीन, ये आपस में ऐसे जुड़े जा रहे हैं CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH, CH3, ठीक है, then CH2, CH, CH3. आपको क्या दिख रहा है, ये रैंडमली जुड़ते जा रहे हैं, कहीं नीचे साथ में, कभी ऊपर हो गया, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, फिर साइड, मतलब रैंडमली जुड़ता हुआ जब साइड चेन होता है मेन बैकबोन चेन के साथ, तो वो कहलाता है अटैक्टिक पॉलीमर. तो इसका हम बोल सकते हैं, इसका नाम क्या लिख सकते हैं, अटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलीन है इसमें, तो पॉलीप्रोपाइलीन को ले लिया, अटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलीन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अटैक्टिक पॉलीमर. ऐसे दूसरा पॉलीमर है, था दूसरा पॉलीमर का नाम बताया मैंने टैक्टिसिटी में, दैट इज सिंडायोटैक्टिक.
सिंडायोटैक्टिक का मतलब होता है इफ द अरेंजमेंट ऑफ साइड ग्रुप चेन इन ऑल्टरनेट फॉर्म. क्या? अरेंजमेंट ऑफ साइड ग्रुप चेन इन ऑल्टरनेट फॉर्म. तो सिंडायोटैक्टिक हमारा बी था. सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर, सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर क्या लिखा? अरेंजमेंट ऑफ साइड ग्रुप इन ऑल्टरनेट फॉर्म. कैसे जुड़े हुए? ऑल्टरनेट, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे ऊपर, एक नीचे ऊपर साइड चेन में. तो अब इसका एग्जांपल समझ में, अरेंजमेंट ऑफ साइड ग्रुप इन ऑल्टरनेट फॉर्म. इसमें एग्जांपल है CH2CH C6H5. अभी मैंने पहले भी पढ़ा था ये. दिस इज आर स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन हो गया ये. देन CH2CH C6H5 अगेन CH2CH C6H5 देन CH2CH C6H5. यहाँ बॉन्डिंग लगा दिया. दिस इज अ सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर. ऑल्टरनेट अरेंजमेंट आपको दिख रहा है साइड ग्रुप का, तो आप इसको नाम लिख सकते हैं सिंडायोटैक्टिक पॉलीआइसोप्रीन. सिंडायोटैक्टिक पॉलीआइसोप्रीन. ये हो गया आपका क्या, सेकंड टैक्टिसिटी का टाइप. देन थर्ड बताया था अभी आपको मैंने, आइसोटैक्टिक पॉलीमर. तो आइसोटैक्टिक पॉलीमर जब साइड ग्रुप जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में हो, ऑल आर इन सेम डायरेक्शन. तो आइसोटैक्टिक पॉलीमर में आप क्या लिखेंगे? When the side group are or on the same side of the chain. मतलब कि क्या हो गया, लिटरली इनका क्या हो जाएगा, सेम अरेंजमेंट हो जाएगा. हम तो क्या बोलेंगे, सेम अरेंजमेंट. व्हेन द साइड ग्रुप आर ऑल ऑन द सेम साइड ऑफ द चेन, मेन बैकबोन चेन जिसको बोलते हैं, एक ही डायरेक्शन में हो. एग्जांपल ले लिया पॉलीविनाइल क्लोराइड, CH2CHCl, सभी जानते हैं. इसी को एक डायरेक्शन में लेते चले गए CH2CHCl. दिस इज आइसोटैक्टिक पॉलीमर जो दिख रहा है एक ही डायरेक्शन में, एक ही साइड में क्या है आपके, साइड चेन दिख रहे हैं. दिस इज आर आइसोटैक्टिक पॉलीमर. तो क्लियर हो गया होगा क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी ऑफ कन्फिगरेशन या कन्फिगरेशन में, कि ये कैसे होते हैं जब ओरिएंटेशन ऑफ अ साइड चेन देखा जाता है अलोंग विद द मेन बैकबोन चेन, कि ये सेम डायरेक्शन में है या ऑल्टरनेट है या रैंडमली कहीं भी जुड़े हैं. जब ये रैंडमली कहीं भी जुड़े होते हैं तब वो कहलाते हैं अटैक्टिक पॉलीमर. जब ये ऑल्टरनेट फॉर्म में साइड चेन होता है तब कहलाता है सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर, और जब एक ही डायरेक्शन में साइड चेन होते हैं तो वो कहलाता है आपका आइसोटैक्टिक पॉलीमर. तो आपका ये फोर्थ क्लासिफिकेशन फिनिश हुआ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी. नाउ फिफ्थ एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है ये, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ये आपका फिफ्थ क्लासिफिकेशन हो गया. मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को देखते हुए क्लासिफिकेशन आपका है. अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात की जाए तो हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से हम क्या देखते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखते हैं. मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब यदि किसी भी चेन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं तो उसकी मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी होती है, लाइक डेंसिटी,
लाइक इसकी इलास्टिसिटी, लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो डिपेंड करता है किस पे, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे. तो आप थोड़ा सा इसमें लिख सकते हैं कि द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर सच एज टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्पेशली टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी एटसेट्रा डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक weak van der Waals hydrogen bonds and covalent bond etc. मतलब कि mechanical property of polymer such as tensile strength and elasticity especially इसमें depend करता है, और वो कौन से molecular forces पे depend करते हैं, mainly van der Waals force, hydrogen bonding और जो cross linked polymer होते हैं, ठीक है, जैसे कि अपने थ्री डायमेंशनल नेटवर्क वाले होते हैं, तो उसमें किस पर डिपेंड करता है, कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है. तो उसको देखते हुए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देखते हुए, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पॉलीमर, चार भागों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देखते हुए डिवाइड किया गया है. अब वो क्या है, नंबर ए इसमें इलास्टोमर्स, बी फाइबर्स, सी थर्मोप्लास्टिक या थर्मो सॉफ्टनिंग भी बोलते हैं इसको, थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक एंड डी इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ओके, क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के पर डिपेंड होके हम देखते हैं क्या फोर टाइप्स के पॉलीमर है. इलास्टोमर्स आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को देखते हुए, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक या थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक बोलते हैं इसको, एंड लास्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है. इसके बारे में एक्सप्लेन में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. चारों का एक्सप्लेनेशन होगा, इलास्टोमर क्या होते हैं, इनमें कैसा फोर्स लगता है और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, सेम विद फाइबर क्या चीजें होती हैं, इनमें किस टाइप का फोर्स लगता है और किस तरीके के इसमें पॉलीमर्स आते हैं, सेम विद थर्मोप्लास्टिक एंड इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थैंक यू सो मच.